Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's nursing file. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan, that is ineffective gastrointestinal tissue perfusion or ineffective GI tissue perfusion. Through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू परफ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान देख के तो आप वीडियो की सहायता से इस नर्सिंग केयर प्लान को आसानी से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू परफ्यूजन। नर्सिंग केयर प्लान इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन। इसमें देखते हैं असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं डिस्टेंडेड एब्डोमेन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरवेंशंस वी राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज हियर इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोबोलीमिया। गोल होगा टू मेंटेन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन। प्लानिंग रेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फर्स्ट इंटरवेंशन होगा असेस वॉल साउंड, रेशनल होगा इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो कैन स्लो पेरिस्टालसिस एंड डाइजेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। इम्प्लीमेंटेशन होगा वॉल साउंड असेस। नंबर सेकंड असेस लोकेशन ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेशनल होगा सडन एब्डोमिनल पेन, साइन ऑफ रप्चर ऑफ एन aortic aneurysm, gallstone, pancreatitis, appendicitis and wall obstruction cause severe pain. Implementation का assessed location of abdominal pain and characteristics। Number third देखते हैं monitor changes in stool, रेशनल का constipation can result from delayed digestion, blood in the stool, sign of ischemic colitis which result from reduced blood flow to the large intestine, bright blood or black stool can सिग्नल ए जी आई ब्लेड। इम्प्लीमेंटेशन होगा मॉनिटर चेंजेस इन स्टूल। नंबर फोर्थ मेंटेन ऑप्टिमल कार्डिक आउटपुट, रेशनल होगा दिस एंश्योर एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा कार्डिक आउटपुट मेंटेन। नंबर फिफ्थ मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेशनल होगा पेशेंट हु आर वॉमिटिंग में बिकम डिहाइड्रेटेड एंड रिप्लेस लॉस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू आई वी फ्लूइड्स एंड सप्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन। नंबर सिक्स एनकरेज फॉर स्मॉल इजीली डाइजेस्टेड फूड, रेशन होगा एज पेशेंट रिकवर फ्रॉम ऑल सर्जरीज और अदर इलनेसेज स्टार्ट विद लिक्विड और ब्लैंड डाइट्स सो एज नॉट टू ओवरवेलम द गैस्ट्रिक सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज फॉर द स्मॉल एंड इजीली डाइजेस्टेड फूड। नंबर सेवन administer medications as prescribed, rational होगा administer an antiemetics to control vomiting। Implementation होगा administer medication as prescribed। After providing these interventions we write here the evaluation। देखते हैं यहाँ पर evaluation हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ evaluation होगा gastrointestinal tissue perfusion maintained, मीन्स जो हमारा गोल था to maintain गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन, हमने अचीव किया हुआ डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से हम इनफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टिश्यू परफ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe my YouTube channel Anand's nursing file, preparation for the nursing competition examination। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा YouTube चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।